यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दौरे से अमेरिका और नेटो के देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पुतिन की पहली विदेश यात्रा थी, जिसके लिए वो सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगबत पहुंचे। वहां पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके साथ ही पुतिन ने उन देशों के प्रमुखों से भी मुलाकात की जो वहां छठी कैस्पियन समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पुतिन के साथ अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद ये पुतिन की पहली विदेश यात्रा रही और कहा जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका और नेटो की नजरें भी टिकी रहीं। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है और साथ ही रूस के ऊपर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। पश्चिमी देशों की कोशिश यही रही कि पुतिन को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो जंग से कदम पीछे खींच लें, लेकिन पुतिन ने युद्ध खत्म करने के बजाय यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने पश्चिमी देशों की किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अब वो उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जो उनके दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों ने जंग के 4 महीने बीत जाने के बाद भी कभी खुलकर पुतिन का समर्थन नहीं किया और ना ही दोनों देशों ने कभी यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध ही किया। यानी रूस के करीबी दोनों देशों ने युद्ध के मसले पर अब तक चुप्पी ही साधे रखी है। और तो और, जंग रोकने के लिए यूएन में लाए गए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में तो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि ताजिकिस्तान के साथ रूस के बहुत मजबूत सैन्य संबंध है। वहां रूसी सेना का विदेशी जमीन पर बना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इसके साथ ही ताजिकिस्तान के आर्थिक हालात पर भी बहुत हद तक रूस का असर है, क्योंकि वहां के लोग बड़े पैमाने पर रूस में काम करते हैं और वहां से पैसा ताजिकिस्तान भेजते हैं। ऐसे में रूस पर लगने वाले प्रतिबंध का असर ताजिकिस्तान पर भी देखने को मिल सकता है। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ भी रूस के करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों की धमकियों और प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए इन देशों को खुलकर अपने साथ आने के लिए मना सकते हैं और ऐसा करके वो ये दिखा सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही यूक्रेन के साथ जंग में बेलारूस की तरह कई और देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं।